जयपुर में तीन तलाक का मामला सामने आया है। बेटी पैदा होने पर पति ने तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बेटी पैदा होने पर पति ने तीन तलाक दिया है। तीन तलाक देने पर अब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत कर दी। तीन तलाक का मामला जयपुर में सामने आया है। तीन तलाक जिस पर अब इसको वैध नहीं माना जाता, उसके बावजूद भी इस तरह के मामले सामने आते हैं। और तीन तलाक जब एक बार फिर से मामला सामने आया है तो इसको लेकर पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई है। सत्यनारायण हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, पूरा मामला क्या है, जानकारी दें। मैं कहा देखिए, रामगंज थाना इलाके का मामला है जहाँ पर एक विवाहिता ने अपने पति पर आरोप लगाया कि बेटी पैदा हुई थी। बेटी पैदा होने के बाद में पति ने व्हाट्सएप कॉल किया और व्हाट्सएप कॉल करने के बाद में उसे तीन बार तलाक दिया और दोबारा घर न लौटने की बात कही। ऐसे में जब उसने उसे मिलने का प्रयास किया तो उसने उसे घर में घुसने से मना कर दिया। ऐसे में अब जो पीड़िता है उसने महिला आयोग के साथ साथ जो स्थानीय निवासी है उनके वहां पहुंची। उसके बाद में अब मामला थाने पहुंचा और थाने के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर जो सीपी रामगंज है उनका साफ कहना है कि क्योंकि जो तीन तलाक कहा गया है वो व्हाट्सएप कॉलिंग पर कहा गया है, ऐसे में अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि वास्तव में जो पति है उसने तीन तलाक कहा या नहीं कहा, क्योंकि रिकॉर्डिंग उसके अंदर नहीं है। ऐसे में उसको थाने बुलाया गया, पति को उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं परिवार दर्ज होने के बाद में पति से पूछताछ करने के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो सामाजिक संगठन है, अल्पसंख्यक समुदाय जुड़े हुए, उनका साफ कहना है कि जब तीन तलाक पर रोक है ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जब ऐसी घटना हुई तो कहीं ना कहीं उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में जो आरोपी पति बताया जा रहा है उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है। मेगा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण पूरी जानकारी के लिए।